नमस्कार, मैं हूँ रेणु अग्रवाल। आप देख रहे हैं एसकेपी लाइव न्यूज़। धार जिला कलेक्टर दीपक सिंह, पुलिस अधीक्षक बीरेन सिंह एवं धार जिले का प्रशासनिक अमला आज कुक्षी पहुंचा। विधानसभा की तैयारियों को लेकर कुक्षी विधानसभा की समीक्षा बैठक और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। वहीं बीएलओ की बैठक रखी गई। मतदान केंद्रों पर व्यवस्थाएं की जानी है, उसी को लेकर समीक्षा बैठक रखी गई। देखें खबर एसकेपी लाइव न्यूज पर घनश्याम पाटीदार की रिपोर्ट। आज चुनाव को लेकर जो जानकारियां दी है उसे विस्तृत बताइए। विधानसभा निर्वाचन की तैयारी को लेकर आज कुक्षी विधानसभा की समीक्षा बैठक और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मेरे साथ पुलिस अधीक्षक और वनमंडल अधिकारी सहित जिला स्तरीय सभी नोडल अधिकारी सीओ जिला पंचायत उपस्थित रहे। इसमें हमने एक तो बीएलओस की बैठक की है, जो बूथ लेवल ऑफिसर्स हैं उनको मतदाता सूची का काम अब चूँकि हमारा पूरा हो गया है। 27 तारीख को मतदाता सूची का फाइनल प्रकाशन हो रहा है। अब मतदान केंद्रों में व्यवस्थाएँ की जानी है, उसके बारे में समीक्षा की गई है। सभी सीओ जनपद, सभी सीएमओ नगर पालिका और ग्राम पंचायत के सचिवों को कहा गया है कि प्रत्येक मतदान केंद्र में जो आवश्यक व्यवस्थाएं करनी है, जिसमें रैंप की व्यवस्था, टॉयलेट्स, पानी, बिजली, ये सारे अरेंजमेंट्स मतदान केंद्रों में अभी से शुरू करते हुए सभी मतदान केंद्रों के बाहर उसके फिटिंग्स भी पेंट कराए जाने हैं। इसके साथ ही विधानसभा में आदर्श आचरण संहिता बनाए रखने के लिए, अपराधों के रोकथाम के लिए जो कार्रवाई करनी है, उसके लिए जो सेक्टर मजिस्ट्रेट्स लगाए जा रहे हैं, सेक्टर ऑफिसर्स, फ्लाइंग स्क्वाड टीम, वीडियो सर्वेलेंस टीम, स्टैटिक सर्वेलेंस टीम, ये सारे अधिकारियों की आज यहाँ पर ट्रेनिंग करी गई है। उनको निर्वाचन आयोग के और IPC के जो विधिक प्रावधान हैं उनके बारे में जानकारी दी गई है और उन्हें कहा गया है कि अभी से वो अपने क्षेत्र का भ्रमण शुरू कर लें और जैसे ही इलेक्शन डिक्लेयर होते हैं, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट शुरू होता है, तो उसका पालन हमें सख्ती से करना है। निर्वाचन आयोग की मंशा ये है कि पूरे विधानसभा निर्वाचन के दौरान एक तो रूल ऑफ लॉ का पालन किया जाए, जो भी कानून है उसका कड़ाई से दृढ़ता से पालन, और दूसरा निर्वाचन संबंधी जो भी आदेश निर्देश हैं उनका पालन पूरी संजीदगी से किया जाए। सभी अधिकारी कर्मचारी और निर्वाचन आयोग के डिप्टेशन पे माने जाएंगे जैसे ही इलेक्शन डिक्लेयर होते हैं, तो इन सब बातों से सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को अवगत कराया गया है। इस बार EVM मशीन के साथ जो VVPAT का उपयोग होना है उसके भी प्रदर्शन कराए गए हैं। सभी को ये अवगत कराया गया है कि VVPAT का उपयोग किस तरह से होगा और प्रत्येक वोटर ये देख सकेगा कि उसने जिसको वोट डाला है उसी के वोट की स्लिप निकल रही है। VVPAT और EVM मशीन के प्रदर्शन भी प्रत्येक मतदान केंद्र में कराए जा रहे हैं, इसके लिए भी हमने प्रोग्राम जारी कर दिया है और सभी मतदान केंद्रों में लोगों को बुलाकर, मतदाताओं को बुलाकर ये अवगत कराया जाएगा कि इस बार EVM और VVPAT का उपयोग किस तरह से किया जाए।